पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति नहीं बल्कि वास्तविक है कि पूरे भारत में लॉकडाउन है। फिर भी इस समय जो है लॉकडाउन में कुछ फैक्ट्रियों को चालू किया जा रहा है। चालू होने के क्या टर्म एंड कंडीशन हैं, वो कौन सी फैक्ट्रियां हैं, बदले में क्या शर्त रखी हुई है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या ये उचित है या नहीं है कि लॉकडाउन में फैक्ट्रियों को चालू करना, अगर चालू किया जा रहा है तो मजदूर किस तरह से काम करेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से जाएंगे, उनके सामान की सप्लाई कैसे होगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, ये सोचना सरकार और फैक्ट्री मालिक की होगी। उससे जो है लॉकडाउन में जो लोग अपनी बलि दे रहे हैं, बलिदानी के लिए तैयार हैं, डॉक्टर, पुलिस वाले या फिर आम जनता, उनके लिए ये बेहतर साबित होगा या फिर नुकसानदेह होगा, इसके बारे में फैसला गवर्नमेंट को करना है, सरकार को करना है। आप देख सकते हैं ये समाचार, ये आरपी समेत गीडा की 20 फैक्ट्री संचालकों ने गीडा प्रशासन से इस लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री संचालित करने की अनुमति मांग की। सभी को सशर्त फैक्ट्री संचालक की अनुमति दे दी गई है। इसके अधिकांश फैक्ट्रियों में फास्ट फूडिंग कंज्यूमर गुड्स FMCG श्रेणी हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच शासन ने फैक्ट्री के संचालक की अनुमति दे दी है। साथ में फैक्ट्री संचालकों को उद्योग विभाग या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा से अनुमति लेने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में बुधवार को ARP हाईटेक विजल सुगड़ा ग्रिड्स सर्वोत्तम फ्रिट समेत 20 फैक्ट्रियों को संचालक ने गीडा प्रशासन के पास फैक्ट्रियों के संचालक के संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था। गीडा प्रशासन सभी इनके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। कुल 20 फैक्ट्रियों को संचालक के लिए आवेदन किया गया था, सभी अनुमानित दे दी गई है। इसके अधिकांश FMCG श्रेणी की इकाइयों को सोशल इंटीग्रेट अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में औचित्य को ध्यान में रखकर के अनुमति दी गई है। तो साथियों, इस समय जो है जो भी लोग घरों में फंसे हुए हैं, घरों में हैं, उनको फास्ट फूड की अधिक आवश्यकता है। शायद इसलिए जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि ये फैक्ट्रियां जो फास्ट फूड हैं उनको तैयार करके जो है लोगों तक पहुँचाए, जिससे जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं उनमें जो है इंडिया काफ़ी सहायक और सहयोगी हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।